नौ सूत्री मांगों को लेकर आज बिहार के कई जिलों से आशा कार्यकर्ता पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, इसके साथ ही नियमित किया जाए। अश्विन पोर्टल से भुगतान शुरू होने के पूर्व का सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए। आशाओं को देय पोशाक यानी सिर्फ साड़ी के साथ ब्लाउज, पेटीकोट तथा ऊनी कोट की व्यवस्था भी की जाए और इसके लिए देय राशि का अद्यतन भुगतान किया जाए। आशा कार्यकर्ताओं को पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। झुकेंगे नहीं, यही बोल रहे हैं, हम लोग मांग लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यदि सरकार आपकी मांगों को नहीं मानता तो क्या करेंगे? कुर्बान हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं, लेके रहेंगे, छोड़ना नहीं है। हम लोग एक रुपया के काम करेंगे, डटे रहेंगे, हम लोग हटेंगे नहीं जी। हमारी मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए हम लोग का। हमें है कि पेंशन योजना किया जाए। हमारी है कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगी तो हम लोग को रिटायरमेंट दिया जाए। हम लोग हैं जो 24 घंटा काम करते हैं, रात नहीं देखते हैं ना दिन देखते हैं। हम लोग का वहाँ रहने का व्यवस्था किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह कर्मचारी को मिलता है उसी तरह हम लोग का भी दर्जा दिया जाए। हम लोग आशा फैसिलेटर हैं, एक दिन में हम लोग को 300 रुपया देती है, 30 दिन हम लोग काम करते हैं। एक दिन में मजदूरा काम करता है तो उसे 500 रुपया मिलता है। क्या कोई प्राइवेट कर्मचारी का बनेगा, काम करेगा 6000 में? हम लोग का ये है, हम लोग का सरकार को करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी वो करे। अगर नहीं करेगा, ये सरकार हम लोग से नहीं मानेगा तो उसको हम गर्दी से उतार देंगे। अभी हमारी सरकार हमारी जो मांग पूरा करेगी हम उसी को सरकार बनाएंगे।